नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। अभी जो करंटली में एक मुद्दा चल रहा है जहाँ पे छात्र एक शिक्षक को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक छात्र गुट जो है वो आंदोलन कर रहा है कि एक मुस्लिम शिक्षक संस्कृत कैसे पढ़ा सकता है। इसीलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अमर सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे कि ये जो विरोध हो रहा है क्या सही है धर्म के नाम पर। सर, आपका रियल एक्सप्रेस में स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद जी। सर, क्या कहना आपको इस मुद्दे पे लेकर? मैंने भी ये मुद्दा देखा, दो तीन दिन से बड़ा चल रहा है जी। ये बड़ी गलत बात है। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं, इस देश का एक संविधान है और संविधान में सबको समान अवसर मिले हुए हैं। जैसा कि हमारे संविधान में आर्टिकल 14-15 सभी को एक समान माना है, और जो शिक्षक है वो शिक्षा प्राप्त करके आया है, अपनी वो पेपर पास किया है, तो उसको पूरा शिक्षा देने का अधिकार है। तो मैं तो उन छात्र को या उन छात्र के पीछे जिन लोगों की भी इस तरीके की जो मंशा है जी, वो बिल्कुल गलत है, वो उन्हें समझाएं, और नहीं तो यूनिवर्सिटी को ये सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन बैठता है जी। ये डिस्क्रिमिनेशन है सीधा सीधा। तो अगर वो नहीं मानते हैं तो उन पर BHU के जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, उनको सीधा उनको कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इस तरीके से तो हमारे देश का कभी विकास नहीं होने वाला जी। हमारी जो सरकार है, जिसका एक बहुत बड़ा नारा था कि सबका साथ सबका विकास, मैं प्रधानमंत्री जी से भी ये मतलब आग्रह करूंगा कि आप क्यों नहीं इस ऐसे मुद्दे पर फिर बोलते हैं कि भाई हम इस देश में जब सबका साथ सबका विकास, तभी वास्तव में ही ये विकास तभी संभव है। लेकिन आपके कहने और करने में, कथनी में बड़ा फर्क नज़र आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार से, BHU के कुलपति से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो तुरंत इस मामले में कार्रवाई करें, राजनीति ना देखें, और लोगों को में शांति बनाए रखने के लिए, सब धर्म को सम्मान देने के लिए, सब लोगों को सम्मान देने के लिए, सब लोगों को अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इसका विरोध करना चाहिए, और उस शिक्षक को पूरे सम्मान के साथ वहाँ पर शिक्षा देने की अनुमति देनी चाहिए। सर, देखा गया है कि कोई भी मामला होता है वो हिंदू मुस्लिम सामने आ जाता है। यहाँ पे एक शिक्षक की बात हो रही है और शिक्षा की बात हो रही है। शिक्षा तो किसी के धर्म के आधार पे नहीं दी जाती, और हालांकि जो शिक्षा उसने एक शिक्षा प्राप्त करी हुई है, वो छात्रों को शिक्षा अगर दे रहा है तो वो धर्म के आधार पे नहीं है। लेकिन छात्र ये कह रहे हैं कि अगर इसको यहाँ पे रखा गया तो कोई आर्य ही है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। आर्य का क्या मतलब है? मतलब क्या आर्य ही हिंदू है? हैं, इस देश में कितने दलित हैं, कितने जो OBC समाज से आते हैं, मतलब ये बिल्कुल, मैंने भी इस बात को सुना था कि एक हमारे जो आर्य होंगे स्टूडेंट जो इस तरीके की बातें कर रहे थे, इस तरीके से द्वेष फैलेगा, आपस में फ्रैक्शन बढ़ेगा, और आप देख ही रहे हो कि पिछले सालों से धर्म के नाम पर ही राजनीति हो रही है। मैं तो बड़ा लोगों से ये आग्रह करूँगा कि धर्म के मामले में राजनीति करना छोड़ दें, बिल्कुल ना माने ये नेताओं की बात। जो भी धर्म के, जो भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर धर्म के नाम पर कभी भी आपसे बात करती है, कभी भी वोट मांगती है, या कभी भी कोई प्रलोभन देती है, तो उसका बहिष्कार करें। क्योंकि आदमी का, इस देश में जो भी आदमी रह रहा है, उसका विकास जब ही है जब हम धर्म की राजनीति ना करके अर्थव्यवस्था की राजनीति करें, रोजगार की राजनीति करें, आगे बढ़ने की राजनीति करें, सबको सम्मान देने की राजनीति करें। इसलिए ये बिल्कुल उनकी बहुत गलत बात थी कि जब आपका वोट आता है तो आप सबको हिंदू धर्म मान के चलते हैं, और जब इस तरीके की कोई भी कार्रवाई आती है कि वही लोग जाएंगे, यही तो गलत है। कोई भी आदमी बोलने को तैयार नहीं। अरे भाई, ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है जी। ये एक शिक्षक का अपमान है, पूरी शिक्षक जाति का अपमान है। वो जो हमारे जो शिक्षक हैं, वो फिरोज जी, वो पूरी शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। उनके अभी मैंने देखा था कि जो चैनल पर कहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास की, कहाँ से 12वीं पास की, कहाँ से ग्रेजुएशन की, अपने पूरे मेरिट के आधार पर वहाँ शिक्षा देने आए हैं। तो उनको शिक्षा देने दीजिए, धर्म का क्या मतलब है? कितने मेरे जानकार खुद
मेरे जानकार खुद ऐसे हैं जो उर्दू पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, जो क्या कहते हैं कॉलेज में प्रोफेसर हैं उर्दू के। तो इस तरीके का जो बाइफरकेशन जो हमारी सरकारें जो लोगों के दिमाग में अब आ गई है, बहुत गलत है। तो ये सर क्या जाति और धर्म के आधार पर शिक्षा को बांटना और शिक्षा को निर्धारित करना क्या सही है? बिल्कुल गलत है, ये संविधान की तोहिन है। हमारे देश का एक संविधान है, उस संविधान में सबको जीने का अधिकार दिया गया है, सबको शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है, सबको कहीं भी रहने का अधिकार दिया गया है, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है। तो वो जो शिक्षक है उसको पूरा अधिकार है अपनी शिक्षा देने का। और मैं तो फिर से वही बात दोहराऊंगा कि इस तरीके से कुलपति को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन में आता है कि आप किसी के साथ इस तरीके से धार्मिक आधार पर बर्ताव नहीं कर सकते। अगर उसकी कोई शिक्षा में कमी है तो वो बात समझ आती है कि उसके पास डिग्री नहीं है उस तरीके की, उसके पास शिक्षा ली हुई नहीं है, तब आप बात समझ आती है। अगर उसके पास पूरी डिग्री है, पूरी उसने शिक्षा ये संस्कृत की पढ़ी है, तो उसको संस्कृत पढ़ाने का पूरा अधिकार है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।